हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अविनाश राजपूत और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं वीवो का एक सेकेंड जनरेशन कमाल का एक फ़ोन, जिसके लिए हम सब काफ़ी समय से बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। तो ये वीवो का वो मॉडल है जिसमें वीवो ने अपने स्क्रीन के अंदर फिंगरप्रिंट डाली है। और दोस्तों, ये फीफा वर्ल्ड कप रशिया 2018 वाला एडिशन है। तो चलिए बॉक्स ओपन करते हैं और जल्दी से देखते हैं फ़ोन को। तो बॉक्स जो देखने में काफ़ी अलग लग रहा है वीवो के पहले जैसे V9 के मुकाबले, और हेडफोन भी थोड़ा अलग डिज़ाइन का है। तो ये है रशिया 2018 का कार्ड, जिसको कि हम लोग साइड में रखते हैं और फ़ोन को निकालते हैं। आप देख सकते हैं स्क्रीन के पास यहाँ पे फिंगरप्रिंट का डिज़ाइन दिया हुआ है, और पीछे की तरफ दोस्तों फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं दिया गया है क्योंकि वो तो आगे है। तो चलिए चार्जर को देखें। चार्जर एक फास्ट चार्जर है जो कि फास्ट चार्ज करेगा फ़ोन को, और इंडिया में आपको थोड़ा अलग डिज़ाइन में चार्जर मिलेगा। तो ये एक वीवो का फ्लैगशिप वाला फ़ोन है, तो इसमें जो वीवो दे रहा है अपना प्रो एडिशन वाला हेडफोन दे रहा है 3.5 mm जैक वाला, जिसका साउंड क्वालिटी भी पहले से काफ़ी क्लियर होगा। तो दोस्तों, ये है एक सिलिकॉन केस सॉफ्ट वाला, जो कि आपको फ़ोन के साथ फ्री मिलता है, तो ये अच्छी बात है। और आपको मिलता है एक सिम इजेक्टर पिन, और जो चार्जिंग केबल है वो अभी भी 2.0 वाले ही हैं, मतलब अभी तक वीवो 2018 में भी इसमें आपको टाइप सी चार्जर नहीं देता, जो कि एक बुरी बात है। अब तो दे देना चाहिए था, पर फिर भी लगभग फास्ट चार्ज कर देगा। तो दोस्तों, ये है फ़ोन जो कि रेड कलर में है, और पीछे की तरफ आप देख सकते हैं ये काफ़ी शाइनी है क्योंकि ग्लास यूज़ किया गया है इसमें, और रेड कलर में ये फ़ोन काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। पीछे की तरफ फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं है, और फ़ोन की जो बिल्ड क्वालिटी है वो काफ़ी प्रीमियम लग रही है। V9 के मुकाबले अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं V9 और इसमें लगभग कैमरा मॉड्यूल तो सेम है, पर उसमें के मुकाबले इसमें जो यूज़ किया गया मेटल और बॉडी वो काफ़ी प्रीमियम लग रही है और काफ़ी शाइनी है। तो दोस्तों, इस फ़ोन का जो डिज़ाइन है वो भी काफ़ी खूबसूरत है, और आपको फ्लैगशिप वाली फीलिंग मिलेगी। नीचे आपको स्पीकर, चार्जिंग केबल, और सबसे खास बात कि इसमें आपको सिम कार्ड और मेमोरी कार्ड ट्रे नीचे की तरफ मिलता है। और दोस्तों, ऊपर की साइड आपको हेडफोन जैक मिलता है, राइट साइड में वॉल्यूम बटन और पावर बटन मिलता है, और लेफ्ट साइड में आपको कोई बटन नहीं मिलता। पीछे की तरफ कैमरा आप देख सकते हैं 12-12 मेगापिक्सल का दो कैमरा है, और फ्लैश है जो कि सिंगल टोन फ्लैश है, और स्क्रीन आप देख सकते हैं दोस्तों काफ़ी ब्राइट है क्योंकि ये फुल HD प्लस रिजोल्यूशन के साथ सुपर अमोलेड स्क्रीन है। और इसका अगर आप बेजल भी देखें तो वीवो V9 के मुकाबले आप देख सकते हैं स्क्रीन की अगर ब्राइटनेस को ही आप देख लें तो वो काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है सुपर अमोलेड के कारण, और जो कलर हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेंट देखते हैं आपको इसमें। और ये एक नॉच डिस्प्ले वाला फ़ोन है जैसा कि आप देख सकते हैं, और इसमें दोस्तों आपको लगभग 3200 mAh की बैटरी मिल जाती है। और दोस्तों, इसमें आप देखें तो नीचे की तरफ की जो बेजल है वो भी V9 और अदर नॉच वाले मिड रेंज फ़ोन के मुकाबले भी काफ़ी कम है, मतलब जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है। और दोस्तों, इसमें आपको स्नैपड्रैगन का 660 प्रोसेसर मिलता है, और इसके वर्जन के बारे में देखें तो एंड्रॉयड इसमें आपको 8.1 ओरियो मिलता है, और फ्रंट टच ओएस आपको 4.0 मिलता है। तो फ़ोन जो है वो काफ़ी स्मूथ काम करने वाला है क्योंकि प्रोसेसर स्नैपड्रैगन 660 है और ऑक्टाकोर प्रोसेसर है। और इसमें दोस्तों आपको 6 GB का रैम मिलेगा, जो कि दो वेरिएंट में आएगी, 64 GB और 128 GB। तो चलिए चलते हैं इसके सबसे खास फीचर की तरफ, जो कि है इसका इन स्क्रीन फिंगरप्रिंट। तो चलिए हम लोग इन स्क्रीन फिंगरप्रिंट को इनेबल करते हैं। तो पिन डाल लेते हैं और फिर अब फिंगरप्रिंट हम अपना ऐड कर लेते हैं। तो चलिए फिंगरप्रिंट ऐड करते हैं। ये थोड़ा स्लो है पर काफ़ी अच्छे से ये ऐड हो जा रहा है, और ऐड करके हम लोग देखेंगे ये कितना फास्ट है और कितने अच्छे से काम करता है। तो दोस्तों, फ़ोन की जो प्राइस है वो अभी सामने नहीं आई है, जल्दी ही आ जाएगी। तो चलिए, फिंगरप्रिंट हमारा ऐड हो चुका है, और ये जो डिज़ाइन है ये जब आप फिंगरप्रिंट स्कैन करें तो वहाँ पर आएगा, जिसको कि हम लोग चेंज भी कर सकते हैं, पर ये वाला सबसे अच्छा लग रहा है तो हम लोग इसी पे डन कर देते हैं।
तो चलिए अब फोन को खोल के देखते हैं फिंगरप्रिंट से। यहाँ पे फिंगरप्रिंट का डिज़ाइन दिख रहा है, तो पहली बार में तो थोड़ा प्रॉब्लम है, खोलते फिर से। ये बहुत फास्ट है दोस्तों, और ये काफ़ी अच्छे से काम भी कर रहा है। थोड़ा सा हमें इसकी आदत नहीं है, तो धीरे धीरे यूज़ करते करते जब इसकी आदत हो जाएगी तो आप देख सकते हैं ये काफ़ी फास्ट है और काफ़ी इस फ़ोन को यूज़ करने में मज़ा आने वाला है। तो फ़ोन तो काफ़ी कमाल का है, बस इसकी प्राइस भी कमाल की हो। फिंगरप्रिंट में आपको कोई कमी नहीं लगेगा, बस यही है कि इस तरह का फिंगरप्रिंट हम लोग पहले कभी यूज़ नहीं किए हैं, इसलिए थोड़ा सा आदत धीरे धीरे यूज़ करते करते हो जाएगा। और ये काफ़ी कमाल का फ़ोन है, आप फ़ोन के लुक का, फीचर्स सब कुछ इसमें कमाल का दिया गया है। और सबसे खास बात, इसका जो फिंगरप्रिंट है वो भी काफ़ी कमाल का है। तो दोस्तों, हम लोग ऐसा इवोल्यूशन सैमसंग या एप्पल की तरफ से इमेजिन कर रहे थे, पर ये तो वीवो लेकर आ गया, और इसका जो परफॉर्मेंस है वो भी काफ़ी कमाल का है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, प्लीज़ सब्सक्राइब।